हेलो दोस्तों मैं हूँ प्रतिभा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम नए तरीके की करेला और बेसन की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी जो सबको बहुत पसंद आएगी तो चलिए फिर देर किस बात की बनाना शुरू करते हैं करेले की इस नई सब्जी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं चार करेले और करेले को हमने पानी से अच्छे से धो लिया है और बिना छीले ही हम इसे कट करेंगे तो सबसे पहले ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा भाग काट के निकाल दीजिए फिर इस तरह से आपको आधा आधा इंच की मोटाई में करेले को काट लेना है ये देखिए बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखेंगे और ज़्यादा थिन स्लाइस भी नहीं करनी है तो आप देख पा रहे होंगे इनकी मोटाई तो इस तरह से काटने के बाद इसके अंदर की जो सीड हैं वो हमें हटा देने हैं ये देखिए तो इसी तरीके से हमने सारे करेले तैयार कर लिए हैं अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच नमक और नमक डाल करके इस तरह से नमक इसमें लगा देना है ये देखिए अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे एक गिलास के जितना पानी और इसके ऊपर रखेंगे इडली स्टैंड आप चाहें तो नॉर्मल कोई भी स्टीमर प्लेट ले सकते हैं और इनमें ये जो करेले की स्लाइस हमने नमक लगा के रखे हैं वो इस तरह से हम अरेंज कर देंगे तो जितने आ जाते हैं उतने रख दीजिए तो एक ही प्लेट में ये सारी स्लाइस आ गई हैं अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे कवर कर देंगे और ढक करके हम इसे पाँच से छः मिनट तक कुक करेंगे बस हमें सिर्फ पाँच छः मिनट तक ही पकाना है पाँच छः मिनट बाद आप देखेंगे कि करेले हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे ये देखिए करेले हल्के सॉफ्ट हो गए हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने इन्हें एक बाउल में निकाल लिया है अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक चुटकी भर हल्दी पाउडर डालेंगे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे थोड़ी सी डाल देंगे हींग और हमने यहाँ पर लिया है बेसन तो ये लगभग दो से तीन बड़ा चम्मच बेसन है तो बेसन इसमें डाल देंगे और इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे जिससे कि जो मसाले नमक और बेसन है वो इसमें अच्छे से लग जाए तो हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए अगर ड्राई लग रहा हो तो आप इसमें आधा चम्मच पानी भी डाल सकते हैं ये देखिए इस तरह से मसाला और बेसन जो है वो करेले में लग चुका है अब चलते हैं आगे की प्रोसेस पे तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा और इसके बाद ये जो करेली की स्लाइस हमने मसाला लगा के रखी हैं इस तरह से हम एक एक स्लाइस ऐसे रख देंगे ये देखिए इसे इस तरह से अरेंज कर दीजिए एक बार में जितने आते हैं उतने ही फ्राई करना है एक साइड से दो मिनट तक मीडियम आच में सकने देंगे इसके बाद हम इसे टर्न करेंगे इससे क्या होगा कि जो मसाला और बेसन है वो इसमें लग के अच्छे से चिपक जाएगा सेट हो जाएगा इसलिए पहले इसे बिल्कुल भी टच ना करें जब ये सेट हो जाए इसके बाद ही इसे टर्न करना है तो देखिए सभी स्लाइस को हम ऐसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे दो से तीन मिनट तक फ्राई होने देंगे आप देख सकते हैं करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो एक एक रिंग को हम इस तरह से इसमें निकाल लेंगे प्लेट में तो यहाँ पर हमने सारी ही रिंग निकाल के रख ली है अब जो बचा हुआ तेल है उसी में हम सब्ज़ी बनाएंगे अगर तेल ज़्यादा लग रहा है तो आप निकाल लीजिएगा आधा चम्मच सौंफ और आधा छोटी चम्मच ही हम जीरा डालेंगे थोड़ी सी हींग डाल देंगे जब जीरा अच्छे से तड़क जाएगा हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं अब इसे हम मीडियम फ्लेम में भूनेंगे हल्का सुनहरा होने तक ये देखिए प्याज हमारी हल्की सी भुन गई है बढ़िया सा कलर आ गया है तो अब हमने इसमें डाल दिया है एक बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट और टमाटर के साथ ही मैंने अदरक और एक हरी मिर्च को भी ग्राइंड कर लिया था तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे कि जो टमाटर के पेस्ट है वो जल्दी कुक हो जाएगा ये देखिए अब हमें इसे तेल छोड़ने तक पकाना है तो ये देखिए टमाटर भी बढ़िया से भुन चुके हैं अब चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे साथ ही हम इसमें चुटकी भर गरम मसाला डाल देंगे बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला डालना है अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम लगभग आधा मिनट तक भून लेंगे इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ये देखिए और अब हमें इसे बढ़िया से तेल छोड़ने तक पकाना है चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी ऐड कर सकते थे और ढक करके हम इसे तेल छोड़ने तक पका लेंगे आप देख सकते हैं मसाले से तेल अलग होने लगा है यानी कि हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ है मिक्स करेंगे अच्छे से इसे और अब इसमें जाएगा आधा चम्मच आमचूर का पाउडर या फिर कच्ची अमिया को ग्रेट करके डाल सकते हैं आधा चम्मच मैंने चीनी डाली है और आधा छोटी चम्मच ही हम इसमें सौंफ का पाउडर डालेंगे जो कि करेले की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देगा बस अच्छे से मिला करके आधा मिनट तक भून लेंगे इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने फ्राई किए हुए करेले और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए एक दो मिनट तक भून लेंगे आप चाहें तो इसकी ड्राई सब्जी भी बना सकते हैं या फिर चाहें तो ग्रेवी वाली सब्जी भी बना सकते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो आधा गिलास के जितना मैंने इसमें पानी डाला है मिक्स करेंगे अच्छे से और वापस हम इसे फिर से ढक के पकाएंगे ये देखिए ऐसे ढक देंगे और फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम के बीच में और पाँच से छः मिनट तक हम इसे कुक कर लेंगे ये देखिए इस तरह से हमारी ये सब्जी बनके तैयार होगी अगर आपको ग्रेवी करनी हो तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालिएगा और ये हमारी बेसन और करेले की बहुत ही शानदार सब्ज़ी बनके तैयार है भई आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी कैसी लगी हमें फीडबैक में ज़रूर बताएगा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर